भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी आज पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर अचानक से पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और वहां मौजूद लोगों से उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर उनकी राय जानी। उन्होंने लोगों से जाना कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पेट्रोल डीजल भरवा रहे लोगों ने भी इसी मुहिम का समर्थन किया। इस मौके पर जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी जी और शिवराज जी तो जनता से वादा किया था कि डीजल 35 रुपये कर देंगे, लेकिन अब 100 रुपये करने की तैयारी कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाना चाहिए और लोगों को राहत मिलना चाहिए। वहीं वहां मौजूद लोगों ने उनकी मुहिम का समर्थन भी किया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कि जनता किस तरीके से मैनेज करेगी, पेट्रोल डीजल हो गया और भी दिक्कतें परेशानी होती है, तो कम करना चाहिए। कम करना, हाँ, रेट कम करवाना चाहिए पेट्रोल डीजल के। अब मैं खुद ही रोज ऑफिस जाती हूँ, मुझे रोज डलवाना पड़ता है। तो गलत हो रहा जी, गलत हो रहा जी। मतलब मोदी जी जागे? नहीं जागे, हाँ, मतलब जागरूक तो होना ही चाहिए ना, कम पेट्रोल डीजल का वो करना ही चाहिए। 100 में से 100 लोग दलगत राजनीति से, विचार से, जात पात से, धर्म से, गरीब अमीर से ऊपर उठकर एक ही बात कि मोदी जी ध्यान दो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। शिवराज सिंह जी, आपने तो वादा किया था मोदी जी ने 35 रुपये में डीजल पेट्रोल करूंगा, आप तो इसको 100 रुपये पे ले जाने लगे, तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। ये मैं समझता हूँ सब लोग इससे सहमत होंगे जो पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये भावना आज की मोदी जी देश की राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर महंगाई कम करो। देश भयावह स्थिति में, मिडिल क्लास भयावह स्थिति में, जब लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था मंदी हुई तब आपको बढ़ाना घटाना था रेट, सहायता करनी थी जनता की, तो आपने रेट बढ़ा दिए, महंगाई के चाबुक मार दिए, जो गलत है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है पूरे देश में, महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। ये आज के देश के एक एक नागरिक की आवाज है, इसको पहचानो और आगे बढ़ो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।